नमस्कार, प्रोग्राम के अगले भाग में आपका स्वागत है। वार्ड नंबर 43 निवारू बाईपास रोड के ऊपर हम लोग यहाँ मौजूद है दूसरे मुद्दे के साथ में। यहाँ दूसरा मुद्दा ये है कि NHAI के द्वारा बनाई गई ये जो हाईवे है दिल्ली अजमेर रोड जो है, इसके साथ में नजदीक में नीचे नाले बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं नालों की हालत क्या हो रही है, पूरे नाले तक मिट्टियाँ भरी हुई है। जबकि इसका पर्पज़ ये था कि इस नाले का ऊपर से आने वाला पानी इन नालों के थ्रू बाहर निकल सके और रोड के ऊपर पानी इकट्ठा ना हो, कचरा इकट्ठा ना हो। जबकि अगर देखा जाए तो जो यहाँ का लोकल प्रशासन है, जो इस NHAI का ये कार्य देखता है, जो कंपनी ये काम देखती है, उसने इन नालों को यहाँ से वहाँ तक कनेक्ट तक नहीं कर रखा है। आप देखिए वहाँ से ये नाला है, वहाँ से और यहाँ तक कनेक्ट भी नहीं कर रखा है। और साथ के साथ इन नालों के अंदर इतनी मिट्टी भरी हुई है कि इनमें से पानी निकलना तो दूर, यहाँ रोड पर पानी इकट्ठा हो जाएगा। हमारे साथ में अरनाथपुरा समिति के साथ अध्यक्ष कन्हैया लाल जी प्रधान मौजूद हैं। हम लोग उनसे बात करते हैं, उनसे इस समस्या के बारे में जानते हैं। सर नमस्कार, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कन्हैया लाल प्रधान है। मेरे क्षेत्र में जो अरनाथपुरा विलेज है, अरनाथपुरा जन अधिकार सेवा समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। और ऐसी बहुत सारी समस्या है जो इस क्षेत्र की है, उनके समाधान हेतु ये हमारी समिति बनी हुई है। जिस विषय में अभी अपन लोग यहाँ खड़े हैं, ये बाईपास के पास में सर्विस रोड है और सर्विस रोड के पास में जो नाला बना हुआ है, ये नाला इसलिए बना हुआ है कि जो पानी है बह के आगे निकल जाए। अब ये न्यूआर रोड भी बहुत दिन से ख़राब थी, ये JDA बना रही है, JDA जोन 6 से द्वारा बन रही है। ये आधी रोड बन गई, आधी अभी बाकी पड़ी है। तो अभी ये बरसात का सीजन आने वाला है और अगर इसका उससे पहले पहले नालों की कनेक्टिविटी नहीं हुई, नालों की सफाई नहीं हुई, तो सारा पानी आके यहाँ बाईपास के नीचे भर जाएगा और बाकी जो कॉलोनी है उस कॉलोनी के मकान में दुकानों में पानी भर जाएगा, बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी। हम इसके लिए काफ़ी दिन से प्रयासरत हैं। ये राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा ये कार्य किया जाता है, उनको हमने यहाँ की फोटोग्राफी वगैरह सहित अवगत कराया। कई बार मैं और हमारे यहाँ की पार्षद अर्चना शर्मा उनसे मिल के आए हैं, कई बार हमने लेटर दिए हैं और उन्होंने भी एक लेटर जो कंपनी है उस कंपनी को इस काम के लिए 2-3 महीने पहले लिखा था, परंतु अभी तक इसकी कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि NHAI वालों ने मौका भी देखा था, परंतु कार्रवाई कुछ ही नहीं हुई। अब बरसात जो आने वाली है, हमारे ऊपर भी चिंता बढ़ती जा रही है, इसलिए तो हमने निगम में भी इस मामले में सहयोग लेने की अपील करी है और मेयर मैडम सौम्या गुर्जर जी भी इस मामले में आगे प्रयास कर रही है और हम कोशिश करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी 10-15 दिन में इसका कार्य प्रारंभ हो जाए। अगर फिर भी NHAI वाले नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे, इस समस्या की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो हमको जल्दी यहाँ एक दिन ये धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, रास्ता रोकना पड़ेगा और उसके लिए हम क्या एक जन आंदोलन चलाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस समस्या को लेकर के कन्हैया लाल जी इतना चिंतित हैं। कई सालों से ये नाले बंद पड़े हैं, यहाँ पानी इकट्ठा होता है, बरसात के दिनों में लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है और अब इन्होंने ये सोच लिया है कि जल्द ही अगर इसका समाधान नहीं हुआ तो वो विशाल रूप से धरना प्रदर्शन वगैरह करके और सरकारों को और संस्थान को NHAI को ये दिखाया जाएगा कि हम दुविधा में हैं, हमारे लिए कुछ करो सरकार।